सो शार्क टैंक इंडिया में हमने कई बार देखा है कि कैसे अलग अलग लोग आते हैं अपना इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया लेके, बट कई बार हमने ये भी देखा है कि उस बिजनेस आइडिया को लेकर दो शार्क्स में क्लैश हो जाते हैं, और इस रीसेंट एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, हेलो, आई एम रेशम एंड यू आर वॉचिंग DNP फर्स्टली वेलकम बैक टू अवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। थैंक यू एंड आई एम बैक विद अनदर शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 अपडेट। जी हाँ, वेल आज का जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम एक पिच के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, प्लस वो जो क्लैश हुआ है बिटवीन टू शार्क्स उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो बैक टू द स्टार्ट। और हुआ क्या कि टू लेडीज केम अप विद देयर प्रोडक्ट विद देयर ब्रांड कॉल्ड मेंटेन, विच एक्चुअली इज अ हेयर केयर ब्रांड। जी हाँ, हेयर केयर प्रोडक्ट्स में डील करता है, एंड दैट इंक्लूड्स शैम्पूज, कंडीशनर्स, स्प्रेज एंड ऑफकोर्स हेयर एक्सेसरीज। तो इस हेयर केयर ब्रांड में एज सच हटके एलिमेंट क्या है या थोड़ा अलग बात क्या है? वेल लेट मी टेल यू कि ये जो पर्टिकुलर रेंज है इज एक्चुअली designed for curly hair girls. Yes, you heard that right. जहाँ इनकी जो entrepreneurs हैं, जो two leading ladies हैं, उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया में 60% of the population जो है, जो ladies हैं, उनके curly hair होते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो problems होती हैं, you know, dealing with the frizz and the excessive volume, कहीं ना कहीं वो cater नहीं हो पाती है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ये brand खड़ा किया है with the name Maintain, which actually solves those problems and made for curly हेयर गर्ल्स। जो उन्होंने आगे ये भी बोला है कि जैसे हमें पता है कि ये जो कर्ली है गर्ल्स की एक कम्युनिटी भी है, उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो दो लोग कैसे मिले, और बताया कि वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिले थे, कम्युनिटी थी फॉर द कर्ली हेयर गर्ल्स, एंड देन जब ये कम्युनिटी में उनकी बातचीत बढ़ी तो उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स यू नो गो फॉर सम प्रोडक्ट्स एंड लेट्स हेल्प दोज कर्ली हेयर गर्ल्स। और उन्हीं की नीड और डिमांड्स को सोचते हुए, यू नो, दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये ब्रांड जो है स्टार्ट किया। वेल उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट मांगी विद 2.5% इक्विटी। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जो है शार्क्स ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो इसकी पैकेजिंग है वो अच्छी नहीं है, एंड दूसरी बात ये कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है व्हेन कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स लाइक लॉरियल, क्योंकि अगर हम इसकी छोटी बॉटल की बात करें तो ये 1200 की है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी कॉस्टली व्हेन कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स, एंड अगर उनकी बॉटल की बात करें तो वो 600-700 में आ जाता है। बट उन्होंने बोला कि स्पेशली डिज़ाइंड फॉर कर्ली हेयर गर्ल्स है, ये पैराबेन एंड सल्फेट्स फ्री है, तो ये अच्छा है, एंड ऑफकोर्स इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं फिर जो अमित जैन की तरफ से जो चीज़ें सामने आई उससे नमिता थापर डिसएग्री। जी हाँ, अमित जैन ने जब उनके ब्रांड को देखा, उनकी पैकेजिंग को देखा, तो उन्होंने ये तक बोला कि वो टाइम पास कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बोला कि ये आप टाइम पास कर रहे हैं, आपको ये ऐसा स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, इट्स नॉट वर्थ इट, इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत बेकार है, और इसमें उन्हें कुछ अच्छा जो है हट के एलिमेंट नहीं देख रहा है। और जब उन्होंने ये बोला कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस पर नमिता थापर जो है ओपन्ड अप एंड सेड कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा हार्श हो रहे हो? इस पर अमित जैन रिप्लाइज कि हाँ, मैं हार्श हो रहा हूँ, बट मैं हार्श होना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को देख के, क्योंकि इसका कुछ एज सच वैल्यू जो है उन्हें नहीं नज़र आ रही थी। जी हाँ, इन दी एंड जब धीरे धीरे जो सारे शार्क्स हैं वो बैकआउट करने लगते हैं, तो अनुपम मित्तल, जी हाँ, जो अनुपम मित्तल है के साथ साथ हम देखते हैं नमिता थापर, या जैसे वो कर लेते हैं बिजनेस आइडियाज़ में, और कहीं ना कहीं लगा था कि शायद वो उसमें कर लें, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एंड में जो शार्क जो है इनमें इन्वेस्ट करते हैं इज़ नन अदर देन अमन गुप्ता, क्योंकि वो ये चीज़ बोलते हैं कि उनकी वाइफ के भी कर्ली हेयर टाइप है, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, तो ही गेट्स इट एंड ही नोज़ कि कर्ली हेयर वुमेन को क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरना चाहते हैं या पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए ही इन दी एंड डिसाइड्स कि वो इस पर्टिकुलर यू नो बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे विद 75 लाख, बट 2.5% इक्विटी नहीं, 10% इक्विटी पर वो एग्री करते हैं, और इस पर्टिकुलर मेंटेन में इन्वेस्ट करने के लिए, इससे जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि इस बिज़नेस आइडिया को वो और आगे यू नो अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस लाना हो या कुछ और, बट ही सेड कि वो चेंजेस लाएंगे, और इन द एंड मेंटेन को एक शार्क का सपोर्ट मिल जाता है। वेल, इस पूरे पिच पर और इस क्लैश ऑफ द टू शार्क्स पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वॉन्ट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो, एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा अच्छा कंटेंट और वीडियो पसंद आया, देन प्लीज़ डॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP। यू कैन ऑल्सो फॉलो Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.